टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में गोवा की भूमिका बहुत अहम है। आप सोचिए, होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्राइवर हो, फेरी वाले हो, दुकानदार हो, जब सभी को वैक्सीन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरक्षा की एक भावना लेकर यहां आएगा। अब गोवा दुनिया के उन बहुत गिने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है जहां लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, आने वाले टूरिज्म सीजन में यहां पहले की ही तरह टूरिस्ट एक्टिविटीज हो, देश के दुनिया के टूरिस्ट यहां आनंद ले सके, ये हम सभी की कामना है। साथियों, गोवा के टूरिज्म सेक्टर को आकर्षक बनाने के लिए वहां के किसानों, मछुआरों और दूसरे लोगों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार की डबल शक्ति मिल रही है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोवा में अभूतपूर्व काम हो रहा है। मोपा में बन रहा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार होने वाला है। इस एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का एक आधुनिक कनेक्टिंग हाईवे बनाया जा रहा है। सिर्फ नेशनल हाईवे के निर्माण में ही बीते सालों में हजारों करोड़ रुपयों का निवेश गोवा में हुआ है। ये भी बहुत खुशी की बात है कि नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ने के लिए जूरी ब्रिज का लोकार्पण भी अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये ब्रिज पणजी को मार्गों को जोड़ता है। मुझे बताया गया है कि गोवा मुक्ति संग्राम की अनोखी गाथा का साक्षी अगौड़ा फोर्ट भी जल्द ही लोगों के लिए फिर खोल दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, गोवा के विकास की जो विरासत मनोहर पर्रिकर जी ने छोड़ी थी, उसको मेरे मित्र डॉक्टर प्रमोद जी और उनकी टीम पूरी लगन के साथ आगे बढ़ा रही है। आजादी के अमृत काल में जब देश आत्मनिर्भरता के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो गोवा ने भी स्वयं पूर्ण गोवा का संकल्प लिया है। मुझे बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा के इस संकल्प के तहत गोवा में 50 से अधिक कंपोनेंट्स के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। ये दिखाता है कि गोवा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। साथियों, आज गोवा सिर्फ कोविड टीकाकरण में अग्रणी नहीं है, बल्कि विकास के अनेक पैमानों में देश के अग्रणी राज्यों में है। गोवा का जो रूरल और अर्बन क्षेत्र पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो रहा है। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी गोवा में अच्छा काम हो रहा है। गोवा देश का ऐसा राज्य है जहां 100% बिजलीकरण हो चुका है। हर घर नल से जल के मामले में तो गोवा ने कमाल ही कर दिया है। गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल जैसे जल पहुंचाने का प्रयास प्रशंसनीय है। ये जल जीवन मिशन के तहत बीते 2 साल में देश ने अब तक लगभग 5 करोड़ परिवारों को
पाइप के पानी की सुविधा जोड़ से जोड़ा है। जिस प्रकार गोवा ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है वो गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर गोवा सरकार की प्राथमिकता को भी स्पष्ट करता है। भाइयों और बहनों, सुशासन को लेकर यही प्रतिबद्धता कोरोना काल में गोवा सरकार ने दिखाई है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने जो भी मदद गोवा के लिए भेजी उसको तेजी से बिना किसी भेदभाव के हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम गोवा की टीम ने किया है। हर गरीब, हर किसान, हर मछुआरे साथी तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। महीनों महीनों से गोवा के गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया जा रहा है। मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से गोवा की अनेक बहनों को मुश्किल समय में सहारा मिला है। गोवा के किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि से करोड़ों रुपए सीधे बैंक अकाउंट में मिले हैं। कोरोना काल में ही यहां के छोटे किसानों को मिशन मोड पर किसान क्रेडिट कार्ड मिले हैं। यही नहीं, गोवा के पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी गोवा में रेहड़ी पटरी और ठेले के माध्यम से व्यापार करने वाले साथियों को तेजी से लोन देने का काम चल रहा है। इन सारे प्रयासों की वजह से गोवा के लोगों को बाढ़ के दौरान भी काफी मदद मिली है। भाइयों और बहनों, गोवा असीम संभावनाओं का प्रदेश है। गोवा देश का सिर्फ एक राज्य भर नहीं है बल्कि ब्रांड इंडिया की भी एक सशक्त पहचान है। ये हम सभी का दायित्व है कि गोवा की इस भूमिका को हम विस्तार दें। गोवा में आज जो अच्छा काम हो रहा है उसमें निरंतरता बहुत आवश्यकता है। लंबे समय बाद गोवा को राजनीतिक स्थिरता का, सुशासन का लाभ मिल रहा है। इस सिलसिले को गोवा के लोग ऐसे ही बनाए रखेंगे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई।